अनुदानसँग जमिन स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साथ्न मिल्दैन सीमा विवाद नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन नहिएको ठाउँ गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो अरे आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहसँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विदम्बना सभामुख महोदय जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा यो सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू पन्ध्र दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रन थाल छन् सामान्य सभामुख हुँदै राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरैमै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दा फाँस हुने हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है अंग्रेजी में उसको हिट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही उन्होंने अपने पद मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी ये बात कही और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है ऐसी बात कही सभामुख महोदय मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभा महोदय और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद की मर्यादा पे और उसकी पे आक्रमण हुआ है इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा इस देश में विभाजन विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी क्योंकि यहाँ पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है सभामुख महोदय ये सिर्फ किसी मान्य पे नहीं ये पूरे संसद पे आक्रमण है सभामुख महोदय मैं क्षमा चाहती हूं कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारत लाइन नक्शा बनाओ ने ये कह के कि प्रायोजित किया उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पर बोलें जब बाहर के जनता की हल्ला होती है उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे मैं जो दूसरी बात महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूं यहाँ पर हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने रब पे पानी फेर दिया मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमे के चीन की तरफ से बांटा गया है तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई कहीं हमारे उत्तरी छिमे की चीन के पे तो उन्होंने एक भारतीय चीली पे आरोप नहीं लगाया है भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय नेपाल के कानून के अनुसार आई और मैं एक बार और कहती हूँ मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं ताकि उनका रगत नहीं उबले रगत बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए महोदय और रगत तो बहुत का उबलता है जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभा है जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग हैं और अंत में एक बात और मैं नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा तो महत्वपूर्ण बात है तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ की दो साल के संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हाथ और पैर में जंजीर जंजीर बांधी है। जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे यही तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा मैं क्षमा चाहती हूँ हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ है सभामुख